तीसरी चीज मैंने अर्ज किया, कुर्बानी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तो दाढ़ी मेरे और तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कितने मुसलमान हैं ज़ुलहिज का चांद देख चुके हैं? हाँ हाँ, हुलगुंदा के सख्त दिलमान इंसानों जरा सुनो, ज़ुलहिज का चांद देखने के बाद कितने हैं कटिंग भी नहीं कराते, कितने हैं दाढ़ी भी नहीं काटते, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है चांद देखने के बाद नाखून भी नहीं काटना और कटिंग भी नहीं करना, इसलिए मुसलमान नहीं करता। लेकिन कितना बड़ा मुसलमान है रे, कुर्ब ईद हो गई ना, अब ये एक तरफ बकरा जबा हो रहा है दूसरी तरफ दाढ़ी जबा हो रही, अल्लाह अकबर, कितना संग दिल है इंसान। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये कौन सी कुर्बानी है जो तेरे दिल को नरम ना कर सके, ये कौन सी कुर्बानी है तुझे एक नबी की सुन्नत से करीब ना कर सके, ये कौन सी कुर्बानी है जो तेरे नबी के इश्क में तेरे नबी की मोहब्बत में तेरे दिल को बेदार ना कर सके। मेरे भाइयों, ऐसी कुर्बानियों पे हजार बार सलाम। और याद रखो मेरे भाइयों, आज तुमने दाढ़ी को छोड़ा हुआ है, यहाँ अल्लाह के घर में बैठ के आहद करके उठे, इंशाअल्लाह हमने ये जो छोड़ा है नबी का फरमान सुन के छोड़ा था कि हाथ चांद देखने के बाद नहीं लगाना है, तो फिर कुर्बानी के बाद भी हम दाढ़ी को हाथ नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। जोर जोर से भाई, इंशाअल्लाह। जब कुर्बानी का तुम मजा ले रहे हो, दाढ़ी छोड़ कर देखो तुम्हें दाढ़ी का मजा कितना मिले। तुम सोचते तुम्हें नबी का चेहरा अच्छा ना लगा, अंग्रेज का कुत्ता जिसकी इशारों पर हम अपनी दाढ़ी को जबा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी, कितने खूबसूरत लगते थे, आसमान से फरिश्ते लाइन लगाते थे मेरे नबी के चेहरे के दीदार के लिए। आज तुम्हें वो चेहरा अच्छा ना लगा, मरने के बाद जब नबी का चेहरा दिखा के तुम्हें पूछा जाएगा ये कौन है, ऐ दाढ़ी जबा करने वालों, नबी की आंखों में कौन सी आंखें डाल के बात करोगे, जरा यहां सवाल का जवाब तैयार करके उठिए। तो अलगर बतला ये रहा हूं,